पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को तमाम योजनाओं और विधा में देश में शीर्ष पर लाने वाले योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में प्रदेश को साक्षरता में भी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के प्रयास में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के उस जिले के स्कूल चलो अभियान से शुरू किया जो साक्षरता में प्रदेश में सबसे पिछड़ा है। श्रावस्ती के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ अन्य पिछड़े जिलों को भी मुख्य धारा में लाने के प्रयास में है, जिससे साक्षरता में उत्तर प्रदेश का ग्राफ भी आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में आज पंचायत भवन के सभागार में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण देखा गया और सुना गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी गोपाल अंजान और मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन मौजूद रहे। इस अवसर पर अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तो वहीं प्रमाण पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस दौरान अध्यापक और अध्यापिकाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि 100% बच्चों की साक्षरता रहे और 100% बच्चों के लिए एडमिशन हो सके, जिससे कि कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित ना हो। लाइव प्रसारण देखकर और सुनकर अधिकारियों और शिक्षकों ने संकल्प लिया कि स्कूल चलो अभियान को 100% सफल बनाना है। उस वक्त आपने देखे हैं पंखे तो कुछ आधे स्कूलों में थे ही नहीं, थे भी तो किस कंडीशन में थे। बाउंड्री वाल टूटी फूटी पड़ी हुई थी, उन सारे स्कूलों की बाउंड्री वाल आपने देखा होगा, मरम्मत कराई है और उन पे पेंट करा के उस पे हमने चित्रकारी कराई है। स्कूलों में टॉयलेट नाम की चीज होती नहीं थी बच्चों के लिए। अपनी जो हमारी बहने हैं, शिक्षक बहने हैं, इन लोगों को ये है बेसिक प्रॉब्लम्स जो पिछली सरकारों में किसी ने इन स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण इन सरकारी स्कूलों में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को भेजने की हिम्मत नहीं करता था। इसी के अंदर आपने देखा होगा, आप तो चूंकि सब अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, स्कूलों के अंदर जो पार्क है उसमें सारे बच्चों के लिए खेल कूद के सामान लगाए हैं। बिजली नहीं आती थी, बिजली के मीटर नहीं थे, इन्वर्टर नहीं थे, जनरेटर नहीं थे, कहां से उसका फंड आए? उसके लिए सोलर पैनल लगवाकर परमानेंट बिजली की व्यवस्था कराई गई। भवन में छतें टूटी पड़ी हुई हैं, बहुत बुरी हालत थी, उनकी सारी छतों की मरम्मत का कार्य कराया। और फिर बच्चों के लिए बैठने के लिए भी जो डेस्क और बेंच ये काम कराए। इन सबसे ऊपर इन स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई के लिए डिजिटल क्लासेस बने थे। बंधुओं, 24 स्कूल कंप्लीट हो चुके और 22 स्कूल और इसके अंदर चयनित किए गए हैं, मान रहे हैं। अब जिले वाले भी थी, अब वो जिले वाले भी इससे कुछ प्रेरणा लें। हमारे विधान परिषद के हमारे माननीय भाई साहब बैठे हुए हैं, ये जिले के अंदर भी जो स्कूल हैं लगभग 1400, अब 1400 स्कूल जिले में और कायाकल्प होगा 46 का, कैसे काम बनेगा? मैं भैया से, इनसे, विनायक जी से अनुरोध करूंगा कि विधानसभा में इन स्कूलों के लिए भी धन आवंटित करा के लाएं और इन स्कूलों को भी अच्छी, उनके अंदर ये जो कार्य है महानगर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो रहे हैं उनको कराएं। कि मेरा राजनीतिक भरण पोषण भी बेसिक शिक्षा के माध्यम से हुआ है। मेरी पत्नी अध्यापिका है, उन्होंने अध्यापन कार्य करके अपनी जीविका अर्जन भी किया और हम जैसे निठल्ले व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में भेजकर आज विधायक के रूप में भी स्थापित करने का काम, इसलिए मैं बेसिक शिक्षा विभाग का बहुत बहुत आभारी हूं। बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी सरकार की
बहुत स्पष्ट मंशा है कि काम करिए, शासन को दोबारा प्राप्त करना, सरकार में आ जाना और बहुत विरोधों के बाद एक बहुत बड़ा कृत संकल्प है और बहुत बड़ा इस उत्तर प्रदेश की जनता की हम सब भाजपाइयों पर कृपा है, क्योंकि हमने बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के माध्यम से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 के बाद जो मूल मंत्र हम लोगों को दिया गया और उस मूल मंत्र के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बिना भेदभाव के हमने जो भी काम करने थे, मैंने अपने अब हमारे सरकार ने हमारे अधिकारियों को भी, यानी शासन और प्रशासन दोनों ने मिलकर जनता के बीच में विकास के कार्यों को और साथ साथ में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया, हमारा नया सत्र प्रारंभ हो गया है। इसमें हम लोगों को जो नए बच्चे हैं उनका नामांकन करना है और जो बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं उनको अगली कक्षा में प्रोन्नत करना है। साथ ही हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से हमको प्रत्येक घर में जाना है, प्रत्येक घर में हमें देखना है कि कोई बच्चा हमारा ऐसा तो नहीं है जो विद्यालय नहीं आ रहा है, उसको हमारे विद्यालय में नामांकित करा करके उसको आगे के बढ़ाएंगे। पिछले साल का क्या लक्ष्य रहा, जो राज्य सरकार ने और हमारे विभाग ने जो लक्ष्य दिया है वो प्रदेश का लक्ष्य है कि पिछली बार प्रदेश में 1,82,00,000 बच्चे थे, उनको बढ़ा करके 2 करोड़ देना है। हम लोगों ने पिछले वर्ष में बहुत अच्छा काम इस पे किया था। पिछली बार हमारे यहाँ 1,72,000 बच्चे थे जो बढ़ के 1,89,000 बच्चे हो गए थे। अब की बार उसी रेशियो में हम लोग बच्चों को बढ़ाना है। हम लोगों ने पिछली बार 17,000 बच्चे बढ़ाए थे, हम लोग कम से कम अब की बार 25,000 बच्चे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों का टारगेट 2,10,000 के करीब होगा कि हम लोग अपना नामांकन बढ़ा करके कम से कम 2,10,000 के जिले का 2,10,000 और प्रदेश का नामांकन जैसा मैंने पहले बताया कि वो 2 करोड़। सर, इस तरह के प्रोग्राम के पीछे खास मकसद क्या है? खास मकसद ये रहता है कि हमारे अभिभावक इसमें आए हुए हैं वो अपने बच्चों को वो करें और आपके माध्यम से लोगों के अंदर एक अपील जाए कि हमारे जो भी 6-5+ वर्ग के आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका एडमिशन हमारे विद्यालयों में जरूर। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।